सो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 13 से 15 हज़ार के बजट में बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। गाइस यहाँ पे हमने आपके लिए 13 से 15 हज़ार के बजट में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जहाँ पे आपका हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अगर आपका प्रायोरिटी गेमिंग है तो यहाँ पे आपको पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, साथ ही अगर आपको बिल्ड क्वालिटी बेटर चाहिए तो आपको बैक साइड में भी ग्लास बिल्ड देखने को मिलता है जो कि आपको हैंड्स ऑन काफ़ी प्रीमियम फील देगा। और वहीं आपको बेटर कैमरा के लिए 64 मेगापिक्सल का पावरफुल कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही हम वीडियो के लास्ट में एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको 15,000 के बजट में 65 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो गाइस अगर आप 15,000 के बजट में बेस्ट स्मार्टफोन बाय करने की प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल हो सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इसी तरह का ऑसम कंटेंट सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 स्मार्टफोन के बारे में। इसके अंदर आपको मिलेगा 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और ये डिवाइस आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपके डिस्प्ले को प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कॉर्निंग ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वैसे भी आपको सैमसंग का डिस्प्ले दूसरे स्मार्टफोन से काफ़ी बेटर होता है तो यहाँ पे आपको वीडियो एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। साथ ही इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर ले तो ये डिवाइस आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में आता है, और वहीं आपको बैक पैनल पे ट्रिपल ईयर कैमरा देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी शूटर 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसके साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और आपको 5 मेगापिक्सल का एक फोटो लेंस देखने को मिलेगा, और वहीं आपको फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। तो कैमरा यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से सैमसंग की तरफ से काफ़ी बेटर दिया गया है। बैटरी के बारे में बात करी जाए तो ये डिवाइस आपको 6000mAh लंबी बैटरी के साथ में आता है जहाँ पे आपको 15 वाट का नॉर्मल फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, और साथ ही आपके गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए Exynos 9611 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 10nm की टेक्नोलॉजी बेस्ट है। तो ये चिपसेट आपको नॉर्मल यूजर में किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही आप मीडियम गेमिंग भी काफ़ी स्मूथली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हैं तो ये डिवाइस बिल्कुल भी हैवी गेमिंग के लिए नहीं बनाया गया है। और इसके साथ ये डिवाइस आपको 4G+64G बेस वेरिएंट के साथ में देखने को मिलेगा, और इसका प्राइसिंग आपको 12.5 से 13 हज़ार के प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है, और इस डिवाइस को आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको 13 से 12 हज़ार के प्राइसिंग में सैमसंग की तरफ से काफ़ी बेटर स्मार्टफोन देखने को मिलता है जहाँ पे आपको बेटर डिस्प्ले और आपको बिग बैटरी देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर आपका बजट 12.5 हज़ार है तो जरूर से इसे कंसीडर करना ही चाहिए। नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करी जाए तो ये भी डिवाइस आता है सैमसंग की तरफ से F41 जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और ये भी डिस्प्ले आपको एक सुपर एमोलेड पैनल के साथ में आता है जो कि वी नॉच स्टाइल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको काफ़ी बेटर मिल जाएगा। साथ ही इसके बैक पैनल की बात कर ले तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक दिया गया है, साथ ही आपको बैक पैनल पे ट्रिपल ईयर कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। इसके साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और वहीं आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करी जाए तो ये डिवाइस आपको मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए यहाँ पे भी आपको Exynos 9611 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, तो आप मीडियम गेमिंग काफ़ी स्मूथली कर लेंगे, यहाँ पे आप हैवी गेमिंग नहीं कर सकते हैं। साथ ही बात कर ले बैटरी के बारे में तो ये डिवाइस आपको 6000mAh पावरफुल बैटरी के साथ में आता है, और आपको 15 वाट का नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, और ये डिवाइस आपको 6G+64G बेस मॉडल के साथ में देखने को मिलेगा, और इसका प्राइसिंग आपको 15,500 देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आपको 15,500 के प्राइसिंग में काफ़ी बेटर स्मार्टफोन देखने को मिलता है, वो भी आपको सैमसंग की तरफ से। अगर आप मीडियम यूजर हैं तो जरूर से इस डिवाइस को आपको कंसिडर करना चाहिए, और इस डिवाइस को आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन के बारे में, तो ये डिवाइस आता है पोको की तरफ से, पोको M2 Pro। ये भी डिवाइस आपको काफ़ी पावरफुल देखने को मिल जाएगा, खासतौर पे इसका बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। तो इसके फुल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.67 इंच का बिग डिस्प्ले जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिलता है, और ये डिवाइस आपको सिंगल पंच होल डिजाइन के साथ में आता है। इसके साथ ही बात कर लें इसके बैक पैनल के बारे में, तो ये डिवाइस आपको बैक पैनल पे ग्लास बिल्ड के साथ में आता है जो कि आपको हैंड्स ऑन काफ़ी प्रीमियम फील देगा, और वहीं आपको फ्रंट बैक और कैमरा में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको ये डिवाइस काफ़ी बेटर होने वाला है। साथ ही ये डिवाइस आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड ईयर कैमरा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है, और वहीं आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी की बात कर ले तो ये डिवाइस आपको 5000mAh पावरफुल बैटरी के साथ में आता है, और यहाँ पर आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, और ये डिवाइस आपको स्नैपड्रैगन 720G पावरफुल गेमिंग चिपसेट के साथ में आता है, तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ देखने को मिलेगा, और ये भी चिपसेट आपको एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है
तो आप काफ़ी स्मूथली गेमिंग कर सकते हैं। तो गेमिंग के बारे में आपको किसी भी तरह का लैग देखने को नहीं मिलने वाला है। और ये डिवाइस आपको बेस मॉडल 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिल जाएगा और इसका प्राइस आपको 13,000 देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे आपको 13,000 के प्राइसिंग में इस डिवाइस के अंदर प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। तो गाइज ओवरऑल देखा है तो ये डिवाइस आपको 13,000 के बजट में रियली काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है, जहाँ पे आप बेटर गेमिंग कर सकते हैं, साथ ही आपको बिल्ड क्वालिटी भी ग्लास बैक देखने को मिलता है। तो गाइज अगर आपका बजट 13,000 है तो जरूर इसे आपको कंसिडर करना ही चाहिए और इस डिवाइस को आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं इस सीरीज के अगले स्मार्टफोन के बारे में। ये डिवाइस आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 6। इस डिवाइस के अंदर आपको पॉलीकॉन का बैक देखने को मिलता है और ये भी डिवाइस आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट दिया गया है। और वहीं आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से रियली रियलमी की तरफ से काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। और आपको फ्रंट में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल पंच होल कटआउट के साथ में आता है। और इस डिवाइस के अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको इस प्राइसिंग रेंज में दूसरे स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है, जो कि इस डिवाइस को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। साथ ही आपके डिस्प्ले को प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। और ये डिवाइस आपको 4300mAh पावरफुल बैटरी के साथ में आता है और आपको ऑडिटी बॉक्स 30W का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और वहीं आपके मल्टीटास्किंग और साथ ही डेली यूजेज के लिए मीडियाटेक हीलियो G90T का दमदार चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आप गेमिंग काफ़ी स्मूथली कर लेंगे, आपको किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस के हिसाब से आपको रियली काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। साथ ही ये डिवाइस आपको बेस मॉडल 6G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिल जाता है और इसका प्राइसिंग आपको 13,000 के प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको 13,000 के प्राइसिंग में 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ ही आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा और वहीं आपको पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है। इस डिवाइस को इंटरेस्टिंग इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पे आपको 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइसिंग में आपको शायद ही किसी स्मार्टफोन में देखने को मिले। तो गाइस अगर आपका बजट 13,000 है तो जरूर से आपको इसे कंसीडर करना ही चाहिए। इस डिवाइस को आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं इस सीरीज के अगले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रियलमी नार्जो 20 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। ये डिवाइस आपको प्राइस के हिसाब से रियली काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट्स को ऑफर करता है। यहाँ पे आपको मिलेगा 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जो कि पंच होल डिजाइन के साथ में आता है और यहाँ पे भी आपको 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बैक पैनल पे पॉलीकार्बोनेट का बैक दिया गया, जो कि ग्लोसी लुक के साथ में आता है। और वहीं आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसके साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। और आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का AI फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा भी आपको प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिलेगा। साथ ही परफॉर्मेंस के लिए ये डिवाइस आपको मीडियाटेक हीलियो G95 पावरफुल चिपसेट के साथ में आता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस रियली काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगा। और साथ ही ये डिवाइस आपको 4500mAh पावरफुल बैटरी के साथ में आता है और इस डिवाइस को इंटरेस्टिंग इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा 65W का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट, जो कि आपके डिवाइस को करीब 35 मिनट के अंदर ही चार्ज कर देता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये डिवाइस आपको बेस मॉडल 6G प्लस 64GB के साथ में देखने को मिल जाएगा और इसका प्राइसिंग आपको अभी देखने को मिलता है 14,000, जो कि आपको 14,000 के प्राइसिंग में इस डिवाइस के अंदर आपको 65W का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो कि आपको दूसरे स्मार्टफोन में ऐसा टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलता है, जो कि रियलमी के इस डिवाइस को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। और इस डिवाइस को आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं इस सीरीज के टॉप स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रियलमी 7 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और इस डिवाइस के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको रियलमी के नार्जो 20 प्रो स्मार्टफोन में देखने को मिला था। लेकिन रियलमी 7 में आपको कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि इसके कैमरा में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आपको 4500mAh की जगह 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और इस डिवाइस के अंदर आपको 30W का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 65W का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर चार्जिंग को छोड़ दे तो ये डिवाइस आपको 15,000 के बजट में रियली काफ़ी बेटर स्मार्टफोन है। वैसे भी आपको 15,000 के बजट में अगर 30W का चार्जिंग दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल ही सही है। तो गाइस अगर आपका बजट 15,000 है, जहाँ पे आपको बेटर कैमरा, साथ ही आपको पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलता है और आपको रियलमी की तरफ से एक बेटर स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, तो जरूर से इस डिवाइस को आप कंसीडर करना ही चाहिए और इस डिवाइस को आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। तो गाइस यही था मेरे तरफ से बेटर स्मार्टफोन 13,000 से 15,000 के प्राइसिंग में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। साथ ही मुझसे अगर कोई स्मार्टफोन छूट गया हो तो आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।